धरती पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ विश्वास बहुत पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। क्या सिंघम 3 में हुई सलमान खान की एंट्री आखिर किस मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? क्या अपनी दो फ्रेंचाइजी की तरह बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी तहलका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों, सिंघम रोहित शेट्टी की हिट फ्रेंचाइजी में से है। अब सिंघम 3 की बातचीत चल रही है। इस बीच सिंघम के बाद सिम्बा और सूर्यवंशी भी लेकर आई रोहित शेट्टी और कॉप यूनिवर्स बना डाला। लेकिन ऑडियंस के दिलों में जो जगह सिंघम ने बनाई उसका क्रेज बिल्कुल अलग है। ऐसे टाइम जबकि बॉलीवुड के लिए ऑडियंस खींच लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, ऐसे में रोहित शेट्टी मसीहा बनकर आए हैं और अब अपनी सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी लेकर आ रहे हैं। लंबे टाइम से ऑडियंस को भी इंतजार है और रोहित इतना तो श्योर है कि सिंघम 3 बॉक्स ऑफिस का सूखा खत्म कर सकती है। आपको बता दें, सिंघम 3 में हाल ही में सलमान खान की भी एंट्री करा दी गई है ताकि इसके बज़ में कोई कमी ना रहे। इसके अलावा सिंघम 3 के लिए एक बहुत बड़ी कहानी भी मिल गई है और ये मलयालम फिल्म है जिसका हिंदी रीमेक होने वाली है सिंघम 3। आपको बता दें, एक बहुत ही एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी बीजू, उसी को सिंघम 3 की कहानी बनाया जाएगा। सिंघम 3 की मेकिंग के साथ खबर ये भी है कि दिसंबर 2023 में इसे थिएटर में उतार दिया जाएगा। सिंघम 3 मलयालम फिल्म एक्शन हीरो बीजू का रीमेक होगी। अजय इस फिल्म में बीजू पाओलोस की भूमिका में नजर आएंगे। तो दोस्तों, सिंघम 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? सल्लू भाईजान की एंट्री से आप कितने हुए खुश? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को।